हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है शनिवार का, सेकंड सैटरडे है, तो अंश के पापा ये आज ऑफिशियल छुट्टी है। अभी तो घर पे हैं, दिन भर का कोई पता नहीं कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। तो और तारीख है आज 14 तारीख, तो तारीख के लिए मुझे डांट पड़ी थी कि तुम्हें तारीख अगर बतानी होती है और तुम कन्फ्यूज़ हो तो पहले तारीख डेट चेक कर लिया करो, फिर डेट बताया करो। बार बार अटकती हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आज 14 तारीख है, दिन सेकेंड सैटरडे का है, महीना मार्च का है। अभी समय हो रहे हैं सुबह के 8:15 का, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और मुझे अभी नाश्ते की प्रिपरेशन करनी है, अंश स्कूल जा चुका है, उसका लास्ट पेपर था, तो मैंने यहाँ भिंडी धो ली है। आज मैं बनाऊँगी बेसन वाली भिंडी, और इस सीज़न में हमारे यहाँ भिंडी आज पहली बार बन रही है, तो बेसन वाली भिंडी बनाऊँगी मैं। और गर्मियों वाली सब्जियां मैं थोड़ा लेट शुरू करती हूँ, क्योंकि गर्मियों वाली सब्जियां हमारे घर में बहुत कम पसंद की जाती हैं, और अंश तो बिल्कुल भी नहीं खाता। बनाऊंगी बेसन वाली भिंडी और मसूर की दाल भिगोऊंगी। बहुत टाइम हो गया मैंने मसूर की दाल बनाई ही नहीं, क्योंकि सर्दियों में मोस्टली निमोना वगैरह बन जाता था। तो मसूर की दाल भिगोऊंगी आज, और बनाऊंगी प्याज के पराठे मेरे और अंश के पापा के लिए। तो पहले ही ब्रेकफास्ट और लंच के लिए प्रिपरेशन कर देती हूँ, दाल भिगो देती हूँ मैं, और जो पेस्ट वगैरह तैयार करना है लहसुन प्याज अदरक का वो तैयार कर लूँगी। और भिंडी को काट के मैंने धो दिया है, नहीं सॉरी, भिंडी को मैंने धो के और किचन टॉवल पे रख दिया है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, और वो काटने के टाइम पे बिल्कुल भी लसलसी ना हो और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो दिखाती हूँ मैं आपको, नहीं थोड़ी सी है क्योंकि अंश भिंडी बहुत कम खाना पसंद करता है, मैं और अंश के पापा ही खाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, अगर वो खाएगा तो थोड़ी बहुत ही खाएगा। तो ये मैंने धो दी थी, और धो करके मैंने ये किचन टॉवल पे रख दी है सुखाने के लिए। ये रात को मैं डेली ये किचन टॉवल साबुन से और गर्म पानी से धो के सुखा देती हूँ, तो अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो ये सुबह सुबह तक सूख जाती है। ये भिंडी अभी अच्छे से सूख जाएगी तब मैं इसे काटूँगी और रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी बेसन वाली भिंडी का। दूध वाला नहीं आया है, तो किचन में इतना मैं काम करूँगी तब तक दूध वाला भी आ जाएगा, और दूध लेके बॉईल करके रख दूंगी मैं, फिर अपना झाड़ू पोछे का जो काम होता है वो करूंगी। कपड़े नहीं धोने हैं मुझे, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना दिन का। यहाँ पे मैं भी बो रही हूँ मसूर की दाल, और ये डिब्बा खाली हो गया, तो जैसे आपको पता है कोई भी डिब्बा खाली हो जाता है तो मैं उसको बिना वॉश के यूज नहीं करती हूँ, तो अब इसे मैं रख दूंगी वॉश करने के लिए। और एक बार इस दाल को मैं चेक कर लूंगी कि इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। बस इस दाल को मैंने साफ कर लिया, इसमें कुछ खास गंदगी थी नहीं। अब इसे मैं वॉश करूंगी, दो बार वॉश करके फिर भिगोने को रख दूंगी। मुझे दोपहर में बनाना है, तब तक ये रेडी हो जाएगी। ऐसे बिना भिगोए भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम दाल को, साबुत दाल वगैरह को भिगो के रख दें तो हमारे पास ईंधन कम लगता है, हमारा जो ईंधन होता है गैस भी बचती है, हमारा टाइम भी बचता है। तो इसको मैं भिगो के रख दूंगी और धो के भिगोऊंगी, तो इसका जो पानी रहेगा वो मैं दाल में कुक करते समय यूज कर लूंगी। तो ये मैंने दो बार दाल को धो दिया है और इसे भिगो के रख दी हूँ मैं। अब इसे ढक दूंगी मैं, 12 बजे के बाद ही इसे बनाऊंगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी। और ये मैंने इसे ढक दिया। अब मैं आटा गूंथूंगी प्याज के पराठे का। आटा निकाल लिया और आटे में मैंने आधा प्याज डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा आटा गूंथना है मुझे, और 2 प्याज छीले थे मैंने, तो 1.5 प्याज इसमें रख लिया ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए, और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा जो दाल फ्राई करने के मेरे काम आएगा। तो इसको पहले मैं आटे को गूंथ लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी नमक, और रात का जो दूध था, मतलब जो कल वाला दूध था, उसकी मलाई बची थी, तो वो मलाई मैंने इस पराठे वाले आटे में डाल दिया है। नमक डाल दिया मैंने, और डाल दूंगी अजवाइन। अजवाइन से पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और अजवाइन जो होती है आपके डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डालूंगी,
बस। और जैसे हम पराठे या रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेंगे इसमें, और कुछ भी नहीं डालूंगी मैं। बहुत सारे लोग इसमें मिर्च डालते हैं लेकिन मैं मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे घर में मिर्च कोई भी नहीं खाता है, तो बस ऐसे सिंपल गूंथ लूंगी। अगर आपके घर में कोई मिर्च खाता है तो आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। बस नॉर्मल पानी से गूंथ लूंगी मैं, कोई गुनगुना पानी या ऐसा पानी नहीं चाहिए मुझे। तो ये आटा मैंने गूंथ दिया है, जैसे पराठे या रोटी का आटा गूंथ जाता है वैसे ही है। बस अभी मैं इसे रख दूंगी क्योंकि अभी तो पराठे मुझे बनाने नहीं है, तो इसे रख दूंगी मैं। और प्याज और अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। तो ये आटा मैंने गूंथ दिया है, जैसे पराठे या रोटी का आटा गूंथ जाता है वैसे ही है। बस अभी मैं इसे रख दूंगी क्योंकि अभी तो पराठे मुझे बनाने नहीं है, तो इसे रख दूंगी मैं। और प्याज और अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। ये ग्राइंडर में मैंने प्याज रख के उधर साइड में रख दिया था, और ये ग्राइंडर में ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया। इस आदत से मैं अपने इतने ज़्यादा परेशान हूँ, पहले चाकू रख के भूल जाऊँगी फिर चाकू ढूंढूंगी। आज ग्राइंडर रख के भूल गई थी, ग्राइंडर ढूंढ रही थी। मेरे जैसे किसको किसको होता है, मतलब भूल जाने वाली चीज़ें कि चाकू रख के भूल जाओ, ग्राइंडर रख के भूल जाओ, बताना। मैंने प्याज रखा और साइड में रख दिया प्याज अदरक काट के, अब ग्राइंडर का मग ढूंढ रही थी। बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा दरदरा सा है, तो बस ऐसे ही रखूँगी मैं इसे। और इसे अब रख दूँगी। और लहसुन और मिर्च इसमें मैंने नहीं पीसी क्योंकि जो मैं लेके आई थी दिल्ली से वो रखा हुआ है, और उस वजह से मेरा काम काफ़ी आसान हो गया, तब से मैंने लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया ही नहीं है। तो बस अब इसे रख दूँगी, और आज अपना ये ग्राइंडर साफ़ करूँगी, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है मुझे, तो वैसे तो मैं रफली साफ़ कर देती हूँ इसे, लेकिन आज इसे थोड़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। और बस मेरा ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन हो गई है डन। मैं टमाटर की प्यूरी भी बना ही लूँ, उसके बाद ही ग्राइंडर साफ़ करूँगी। तो ये मैंने दो टमाटर लिए हैं और बस इसे पीस के रख दूँगी। तो दाल बनाते समय मुझे कुछ भी पीसने वगैरह का काम नहीं करना पड़ेगा ना। बस हो गया सब कुछ, लंच और ब्रेकफास्ट का काम सारा निपट गया, प्रिपरेशन हो। दूध उबालने के लिए रख रही हूँ, और दूध उबालते समय मैं इसको जाली से ज़रूर ढक देती हूँ ताकि चाहे मेरा ध्यान कहीं भी रहे इसमें कोई कीड़ा या कोई डस्ट ना गिरे। यहाँ पे अपनी ले ली है मिक्सी और इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे जो रूटीन वाली सफाई होती है वो तो हो ही जाती है, बस जो एक डीप क्लीनिंग वाली सफाई होती है वो मैं कर रही हूँ इसकी। तो विम लिक्विड और पानी मिक्स करके मैंने स्क्रबर से इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। मैंने ले लिया ये ख़राब ब्रश जो मेरे किचन में हमेशा रखा रहता है क्लीनिंग करने के लिए। इससे मैंने जो कॉर्नर वाली गंदगी थी वो अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। ये ब्रश से रगड़ने से क्या होता है कि जो जाली जैसी जगह है, जैसे ये सामने दिख रहा है आपको जाली जैसी जगह, इसमें हम हाथ से अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्रश से अच्छे से सफाई हो जाती है। और इस ब्रश में भी मैंने विम लिक्विड और थोड़ा सा गर्म पानी लगा लिया था। आप चाहें तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं, मेरी मिक्सी वाइट है तो इसमें बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं। और ये देखिए नीचे नीचे जो थोड़ी सी जॉइंट वाली जगह है वहाँ भी गंदगी हो ही जाती है, तो इसे मैं क्लीन कर ही देती हूँ। हर 3-4 यूज़ के बाद इसे मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ ताकि ये बिल्कुल सफ़ेद का सफ़ेद बना रहे। और ये हैंडल्स में भी अच्छे से मैंने ब्रश डाल के क्लीन कर दिया था।
सब कुछ करने के बाद दो बार मैंने गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया था। आप देखिए मिक्सी मेरी बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो गई है, किसी भी कॉर्नर में गंदगी नहीं है, ना ही चिकनाई है। और यहाँ पे साफ़ करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर बाहर रख दिया था कि अच्छे से हवा लग जाए, कहीं भी इसमें नमी या गीलापन ना रहे। ये देखिए मिक्सी मेरी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। बाद में फिर से आ गई हूँ किचन में और अभी चढ़ाऊंगी दाल। दाल चढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, दो लौंग, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, तेज पत्ता और दो हरी इलायची। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, लेकिन खड़े मसाले डालूंगी दाल में। दाल बॉयल करते समय अभी मैं तड़का नहीं लगा रही हूँ और ये दाल के संग बॉयल हो जाएगा। तो अभी अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप बड़ी इलायची ले लीजिए। मेरे पास बड़ी इलायची नहीं है, मेरे पास ये छोटी वाली इलायची है। तो चलिए दाल को बॉयल कर लेते हैं। ये मसूर की दाल है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 2 घंटे भिगोया था मैंने इसे और नॉर्मल वाटर में ही भिगोया था। और ये सारे खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाया है वो, थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूंगी, 1 गिलास पानी। इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, डाल दीजिए। सॉरी ये नमक का डिब्बा है, तड़का लगाते समय भी हल्दी डाल सकते हैं या आप थोड़ी सी हल्दी अभी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी तड़का लगाते समय डाल दीजिए। मैं थोड़ी सी हल्दी अभी डाल रही हूँ, मन करेगा तो थोड़ा सा डालूंगी तड़का लगाते टाइम पे। और बस अब कुकर में कर दूंगी बंद। और ये गैस को ऑन कर दूंगी और जो मैंने प्याज के पराठे का आटा गूंथा था वो पराठा बना लूंगी। अब ये पराठा और चाय ले लिया है मैंने, आप भी आ जाइए। और इस समय बज रहे हैं 12:30, अंश आ गया है, अंश भी खा रहा है पराठा ही। उसके लिए मैंने बना के फॉइल में लगा के रख दिया था और जैसे ही मैंने अपना प्लेट निकाला खाना खाने के लिए वैसे अंश भी आ गया था। खाना के लिए नाश्ता ही, मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अंश के पापा बाहर जा चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दोबारा मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं 10:00, खाना पीना सबका हो चुका है और अंश सो चुका है, ये देखिए मेरे पीछे। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वो अपने टाइम से सो ही जाता है और उसकी शुरू से ही आदत मैंने डाली है, टाइम से खाना खाना, टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से सोना। तो वो 9 बजे एनी हाउ सो ही जाता है। और अभी मैंने अंश के पापा के लिए रख दिया माइक्रोवेव में दूध गर्म करने के लिए, उनको दूध दूंगी। और मैं भी बस अब सोऊंगी, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने भिंडी की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि मैंने भिंडी वाली रेसिपी बनाई ही नहीं थी, जो मैंने आपसे बताया था बेसन वाली भिंडी। तो कोई बात नहीं, अभी तो सीज़न आ ही रहा है भिंडी वाला, तो जब भी मैं बनाऊंगी आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और दाल जो मैंने बनाई थी मसूर की, उसकी रेसिपी भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, तो वो भी फिर मैं कभी बनाऊंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। दाल काफ़ी अच्छी बनी थी और भिंडी तो मैंने बिल्कुल सिंपल ही बनाई थी, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था। तो रेसिपी ना शेयर कर पाने के लिए प्लीज़ सॉरी। और माइक्रोवेव बुला रहा है मुझे, पहले मैं दूध निकाल के इसके पापा को दे के आती हूँ माइक्रोवेव में। नहीं डाल डाल के है, ये पाउडर लिया है नहीं उससे कर। हाँ तेरे को निकाल ना। अभी मैंने दे दिया आज के पापा को दूध और फिर से मैं आ गई हूँ अपनी जगह पे। और इस समय ठंड लगने लगती है मुझे रात में, दिन में तो नहीं लगती है, शाम होते होते मुझे ठंड लगने लगती है। और कुछ लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं तो मैं आज उसका रिप्लाई दे ही देती हूँ। कई लोग पूछते हैं आप बनारस में हो, तो मैं इस टाइम पे बनारस में नहीं हूँ। हाँ बनारस से हूँ, बनारस जो है वो मेरी जन्मभूमि है, माई बर्थ प्लेस। मेरे जन्म से लेके शादी तक
मैं वहीं रही हूँ। उसके बाद मैरिज के बाद मैं आ गए थे इलाहाबाद की एक जगह, इलाहाबाद के पास एक जगह है भदोही, वहाँ मेरा ससुराल है। तो मैं इस समय बनारस में नहीं हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं मेरे पास, आप बनारस में कहाँ हो, आप बनारस में कहाँ हो। तो मैं जब भी बनारस में आऊँगी, मेरे जितने भी बनारस वाले सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि मैं खुद ही बनारस बहुत कम जाती हूँ। वहाँ मेरे पेरेंट्स, मतलब कि मेरे मम्मी पापा, भाई रहता है वहाँ पे। तो जब भी मैं जाऊँगी, पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मिलूँगी आप लोगों से, और जाऊँगी तो वीडियो शेयर हो ही जाएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे चैनल का नाम वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहीं रह रही हूँ, वहाँ से मेरा एक खास रिश्ता है। तो बस आगे हो सकता है आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया हो कि मैं बनारस में नहीं हूँ। कई लोग मेरे से ये बार 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 पूछ रहे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है मेरे से। तो आज मैंने आपको रिप्लाई कर ही दिया। और बनारस, इलाहाबाद, भदोही, ये तीन जगह, इलाहाबाद में मेरे हस्बैंड बहुत साल तक पढ़ा चुके हैं CMP डिग्री कॉलेज में। तो अगर कोई देख रहा हो इलाहाबाद का और उनका स्टूडेंट हो, तो वो फिलॉसफी पढ़ा चुके हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अगर उनको बताऊँगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं आपसे एक नई चीज़ शेयर करूँगी। मैंने अंश के लिए और अंश के पापा के लिए एक प्रोटीन डाइट स्टार्ट की है, तो वो मैं शेयर करूँगी आपसे। आज वो मैंने भिगो के रख दिया है, कल आपको बताऊँगी। और अभी मैंने उसे शुरू किए हुए 2 ही दिन हुआ, तो उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं, ये अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि देसी चीज़ों का फ़ायदा इतनी जल्दी नहीं दिखता है। कोई दवाई या कोई कैप्सूल या कोई इंजेक्शन या पाउडर तो है नहीं, 1 या 2 दिन में फ़ायदा दिखेगा। हाँ, लेकिन देसी चीज़ों का फ़ायदा होता है ज़रूर, और नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं अंश को दे रही हूँ। और ग्रोइंग एज में गर्ल हो चाहे बॉय हो, ये डाइट देना ज़रूरी होता है। आप भी अपने बच्चों को दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत महंगी या कोई ऐसी चीज़ है कि किसी के घर में नहीं मिलेगी, हर एक घर में वो चीज़ मिल ही जाएगी। और एक चीज़ और मुझे शेयर करना है कल आपसे, वो भी मैं कल शेयर करूँगी, कि आज की वीडियो मैं अब ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोऊँगी। तो चलिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब कर किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ लाइव आने के लिए, तो देखिए कब आना हो पाता है। अगर ऐसा होगा लाइव आने का तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए